हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस बेसिक्स। गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप फूड वेजिटेरियन फूड के बारे में, जिसकी हेल्प से आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। एंड गाइस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट को लेके, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @fitnessbasics11 पे, बिकॉज मैं हर एक डीएम का रिस्पांस करता हूँ। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस ए वीडियो फ्रॉम मी। सो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि फैट लॉस के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा, यानी एक दिन में आपकी जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं उससे आपको कम कैलोरीज कंज्यूम करने पड़ेंगी फैट लॉस के लिए, और तभी जाके आप अपना यहाँ पे फैट लॉस कर पाएंगे। एंड गाइस, जिन पांच फूड के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने अपनी डाइट में उनको इंक्लूड किया सो डेफिनेटली आपका फैट लॉस होगा। तो सबसे पहला फूड है यहाँ पे हमारा टोफू, यानी सोया पनीर, जो सोया से बनता है। टोफू यानी सोया पनीर की सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि गाइस, ये एक लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें आपको 100 ग्राम में 14 से लेकर 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगा एंड कार्ब्स इसमें आपको ना के बराबर मिलेगी। अगर आप टोफू को कंपेयर करेंगे नॉर्मल पनीर से, नॉर्मल पनीर के 100 ग्राम में आपको 20 ग्राम प्रोटीन तो मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको 20 ग्राम फैट भी मिलेगा, जो कि अगेन जब आप फैट लॉस जर्नी में है सो यहाँ पे आपके लिए ये कंज्यूम करना ठीक नहीं है। आप चाहें तो टोफू की जगह मदर डेयरी से लो फैट पनीर भी ले सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम जो सेकंड फूड के बारे में बताने वाले हैं वो है ब्राउन राइस। एंड गाइस, ब्राउन राइस को ऐड करना अपनी डाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दो बड़े रीज़न है ब्राउन राइस को अपनी डाइट में ऐड करने के लिए। उसमें सबसे पहला है कि जो ब्राउन राइस होते हैं वो अनरिफाइंड एंड अनपॉलिश होते हैं, दैट मीन्स इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बरकरार रहती है, जो वाइट राइस की नहीं रहती है। एंड नंबर दो, यहाँ पे जो आपके ब्राउन राइस होते हैं ये इसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करते हैं, और यही रीज़न है गाइस इसको यहाँ पे ऐड करना अपनी डाइट में। अगर हम यहाँ पे ब्राउन राइस को कंपेयर करें वाइट राइस के साथ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 ग्राम की जो उसकी सर्विंग, उसमें आपको कैलोरीज एंड कार्ब्स तो सेम मिलेंगे, लेकिन फाइबर कंटेंट इसमें लेस देन 1 ग्राम मिलेगा आपको एंड प्रोटीन इसमें 6.7 ग्राम मिलेगा आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि जो वाइट राइस है सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब्स है, इसीलिए हमारी बॉडी में ये फैट की फॉर्म में स्टोर होगा एंड ब्लड शुगर लेवल को भी स्पाइक करेगा, और इससे आपका वेट गेन होगा और उससे फिर आपका फैट भी गेन होगा। सो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं थर्ड फूड के बारे में वो है होल व्हीट ब्रेड। सो आप ऐड करेंगे अपनी डाइट में होल व्हीट ब्रेड को एंड वाइट ब्रेड को बोलेंगे बाय बाय। गाइस, उसका रीज़न यहाँ पे ये है कि जो होल व्हीट ब्रेड होती है उसमें हाई फाइबर होता है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड दैट मीन्स ये हमारी बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा एंड सेकेंडली ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी स्पाइक नहीं करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस यहाँ पे ये कि इट हैज़ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर बात करें हम यहाँ पे एक स्लाइस होल व्हीट ब्रेड की, तो इसमें आपको कैलोरीज मिलेंगी 70, कार्ब्स इसमें मिलेंगे आपको 12 से लेकर 15 ग्राम, फाइबर इसमें मिलेगा आपको 2 ग्राम एंड प्रोटीन मिलेगा 3 ग्राम। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें होल व्हीट ब्रेड को वाइट ब्रेड के साथ, इसमें आप देख सकते हैं आपको कैलोरीज सेम मिलेंगी, आपको जो कार्ब्स मिलेंगे वो भी सेम मिलेंगे, लेकिन इसमें देखिए आप फाइबर जो है आपको 0 मिल रहा है एंड प्रोटीन इसमें 2 ग्राम मिल रही है। यहाँ पे जो व्हाइट ब्रेड है वो सिंपल फॉर्म ऑफ कार्ब्स है, यानी ये हमारी बॉडी में इमीडिएट डाइजेस्ट होगी एंड फैट की फॉर्म में स्टोर होगी एंड साथ ही साथ हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी स्पाइक करेगी। इसीलिए अगर आप यहाँ पे फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हैं सो होल व्हीट ब्रेड इज द बेस्ट ऑप्शन एज कम्पेयर टू द व्हाइट ब्रेड। सो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फूड नंबर 4 की, वो है मिल्क। गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, हम जो भी नॉर्मली मिल्क परचेज करते हैं मदर डेयरी से, उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो कम होता है और उसमें फैट एंड कार्ब्स काफ़ी हाई रहता है। सो आपको ध्यान ही देना कि इसकी जगह आप यहाँ पे मदर डेयरी से लो फैट मिल्क ले सकते हैं, स्किम मिल्क ले सकते हैं, या फिर डबल टोन मिल्क यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो फैट की अमाउंट होती है वो कम होती है, कार्ब्स कम होते हैं एंड प्रोटीन की अमाउंट जो होती है वो हाई रहती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी फूड है आपके लिए अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं यहाँ पे या फिर वेट लॉस करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फिफ्थ यानी आखिरी फूड के बारे में, वो है स्वीट पोटैटो। अगर आप यहाँ पे फैट लॉस करना चाहते हैं सो डेफिनेटली आप स्वीट पोटैटो को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे वाइट पोटैटो को भी ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है गाइस, जो स्वीट पोटैटो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है एंड जो वाइट पोटैटो है वो सिंपल फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें 100 ग्राम की सर्विंग बोथ व्हाइट पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो की, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कैलोरीज मिलेंगी व्हाइट पोटैटो में 92, स्वीट में 90, प्रोटीन आपको मिलेगा व्हाइट पोटैटो में 2 ग्राम एंड स्वीट पोटैटो में 2 ग्राम, फैट भी सेम मिलेगा आपको 0.15 ग्राम दोनों में एंड कार्ब्स भी आपको सेम मिलेंगे दोनों में 21 ग्राम्स, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे फाइबर का है 2.1 ग्राम वाइट मिलेगा, 3.3 ग्राम आपको स्वीट पोटैटो में मिलेगा। सो गाइस, इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हमें अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से हटा देना है या वो उनको खाना ठीक नहीं है,
डेफिनेटली आप उनको कंज्यूम कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे अगर आपको एक फैट लॉस का गोल है तो उस केस में आपको अपनी डाइट में थोड़े थोड़े चेंजेस करने चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा थोड़ा ऐड करना चाहिए एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा थोड़ा रिमूव करना चाहिए। और यार गाइस ये थे मेरे टॉप 5 फूड आपके लिए जो आप ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में फॉर फैट लॉस। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यार गाइस स्टे फिट स्टे हेल्दी, माय नेम इज़ वेंदर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।